हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उस इंडस्ट्री की और उस शेयर की जिसके अंदर आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ छुपी हुई है, यानी कि पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी कि शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में, और प्रीवियसली भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। पिछले 3 साल के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि जो ग्रोथ इस शेयर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पिछले 5 साल का चार्ट जो इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है उससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे इस शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। और डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड के अंदर जो ग्रोथ FMCG के अंदर है, उस FMCG के साथ साथ आप किसी भी चीज़ को ले लीजिएगा जहाँ पर पैकेजिंग इन्वॉल्व है, तो ये कंपनी पैकेजिंग रिलेटेड काम करती हुई दिखाई देती है और उस सेक्टर के अंदर इस समय पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत तगड़ी ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। चाहे आप कोई भी चीज़ की पैकेजिंग ले सकते हैं, फूड से रिलेटेड हो या फिर किसी भी सीड से रिलेटेड हो या वैरायटीज ऑफ अलग अलग तरह की पैकेजिंग हो, वहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। और ऑलरेडी मैं इस पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर आपको एक ही चीज़ समझ आएगी कि इससे बढ़िया शेयर पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई दूसरा नहीं है। इसने जो अपना हाई बनाया है, यहाँ पर 2805 रुपये का हाई है और वहाँ से ये टूटता हुआ अगर आप देखेंगे तो इसने 1941 रुपये का लो बनाया है यहाँ पर। और ये 6 महीने का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ पोटेंशियल आपको यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दी है और यहाँ से ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर तूफान जैसी तेज़ी जब आती है ना तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। 6 महीने के चार्ट के अंदर इसने ज़बरदस्त अप एंड डाउन दिखाए हैं और अगर आप यहाँ पर इस समय भी शेयर प्राइस को देख पा रहे हैं तो ये आने वाले टाइम में ज़बरदस्त फुर्ती दिखाता हुआ नज़र आएगा। कॉरपोरेशन कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ समझ आएगी कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा दबदबा है और यही रीज़न है कि आपको आने वाले टाइम में और पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल के अंदर इसकी जो प्रेजेंस है उससे आपको एक समझ चीज आएगी कि इस कंट्री की जो रीच है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं 5 कंट्रीज विद मल्टीपल वेयर हाउस एंड लेस देन ऑफिस वर्ल्ड वाइड, यानी कि दे हैव 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन 5 कंट्रीज। और इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपको जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस शेयर के अंदर, उससे आप ये समझेंगे कि यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर पॉजिटिविटी और जो ग्रोथ कंटिन्यूसली बनी हुई है। 7292 करोड़ की मार्केट कैप पे अभी भी इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है और जो यहाँ पर लो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो लगभग 1324 रुपये और 2870 रुपये का इसका हाई है। यानी कि इस शेयर के अंदर अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो 100% से ज़्यादा के रिटर्न निकलते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये 2323 पर इस समय क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है और अभी रिसेंटली इससे 1900 का लो बनाया है। यानी कि अगर आपने इसके अंदर एंट्री की है तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में ये शेयर और स्पेशली पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन या उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलीफिल्म से रिलेटेड या पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव की बात करें तो ये काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ शेयर के अंदर है जिनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस हिसाब से 5 साल के अंदर जो CAGR इस शेयर ने मेंटेन की है वो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में भी करती हुई नज़र आएगी। अपनी सेगमेंट के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो नंबर 1 पर ये कंपनी दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। और वहीं रिटर्न की बात करूं तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट इस शेयर के अंदर पिछले 4 क्वार्टर की बात करूं और 3 क्वार्टर की बात करूं तो यहां पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले ये पहले क्वार्टर की अगर देखें तो 112% के साथ 96 पर ये थोड़ा सा डिप एंड डाउन नज़र आया है, लेकिन कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डिप एंड डाउन नज़र आते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बना हुआ है। ईयरली वाई ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ईयरली वाई पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आया। ये 282 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 512 का और उसके बाद 569 रुपये का, यानी कि 569 करोड़ रुपये का जो नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल के अंदर शेयर ने दिया है उससे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकलती हुई नज़र आ रही है और यही रीज़न है कि ये शेयर कंटिन्यूसली पिछले 3 साल से दबा के भागता हुआ दिख रहा है।